यहाँ एक क्वेश्चन है, गिवन दैट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ एच बॉन्ड एच एंड सी एल बॉन्ड सी एल, यानी यहाँ पर एच एच के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सी एल सी एल के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, और इनकी एनर्जी क्या है, एच एच बॉन्ड की जो है 430 किलो जूल पर मोल और सी एल सी एल बॉन्ड के लिए है 240 किलो जूल पर मोल। हम जानते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो जो है उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी होती है, बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी होती है, या फिर बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है जो कि सेम होती है, जितनी एब्जॉर्ब करके तोड़ने में बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है उतनी जब वो बनता है तो उतनी एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, जो कि नेगेटिव में होती है और एब्जॉर्ब करता है पॉजिटिव। तो यहां पर जो है 430 ये पॉजिटिव में है यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और ये बॉन्ड टूटा है रेस्पेक्टिवली। एंड डेल एच एफ यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी निर्माण की बनने की जो एंथैल्पी है वो कितनी है, किसकी, एच सी एल के बनने की, -19 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एच सी एल के फॉर्मेशन की हमको गिवन ये भी दे रखी है। अब हमें निकालना है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी निकालना है एच सी एल के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर होगा 425 किलो जूल पर मोल। आइए देखते हैं कैसे होगा। हमें जो है H2 केस, इसके बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी हमें दे रखी है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसकी जो है बॉन्ड ब्रेक एनर्जी दे रखी है एच एच बॉन्ड की +430 किलो जूल पर मोल। उसी तरह Cl2 की बॉन्ड ब्रेक, ये ब्रेक कर दिया हमने, इसकी बॉन्ड ब्रेक किंग एंथैल्पी बंद को तोड़ने की एंथैल्पी कितनी है 240, ठीक है। और हमें जो निकालना है HCl के लिए, इसकी बॉन्ड ब्रेक एनर्जी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी HCl के लिए हमें निकालना है, ठीक है। अब यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है यानी HCl के बनाने के लिए उसके निर्माण में, तो वो क्या है, यानी HCl का फॉर्मेशन होता है, हम जानते हैं डेफिनेशन से, परिभाषा से, कि किसी भी जो है कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो वो उसके किससे होता है, एक मोल से होता है। तो यहां पर हमारे पास HCl बना है जिसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, इसके एक मोल का इस्तेमाल हुआ, यानी हम यहां पर H2 प्लस Cl2, चूंकि यहां पर ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दो हो गए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, तो हमें इसको एक मोल हाइड्रोजन करने के लिए इसके सामने हाफ यानी ये आधा हो जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हो जाएगा, यानी इधर निर्माण क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, जो कि हमारे डेफिनेशन से है कि एक मोल फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। तो ये हमें गिवन है हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, HCl के लिए हमें गिवन है -90, ठीक है। यहां पर एनर्जी रिलीज हुई है क्योंकि फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पर अब हमारा फॉर्मूला जो है हम इसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर HCl की जो है बॉन्ड एनर्जी निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एक चीज का ध्यान रखें, अभी तक हमने पूरा जो है थर्मोडायनामिक वगैरह इसमें हमने देखा है कि जो भी फार्मूले होते हैं, तो जनरली जब भी एंथैल्पी चेंज होता है तो वहां पर हमें जो है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट रखना पड़ता है। जब भी हम रखते हैं तो प्रोडक्ट में से हम रिएक्टेंट की एनर्जी को
एंथैल्पी को जो है माइनस करते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन बॉन्ड एनर्जी में ऐसी होती है कि यहां पर हमको जो है रिएक्टेंट की एंथैल्पी में से जो है प्रोडक्ट की एंथैल्पी को माइनस करना होता है। यह एक इस कंडीशन के लिए ही यह फॉर्मूला होता है। तो यहां पर अगर हम देखें बॉन्ड एनर्जी के लिए, तो सबसे पहले हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, किसके HCl के लिए इज इक्वल टू, लेकिन यहां पर जैसा मैंने बताया कि जब एंथैल्पी हो किसके लिए बॉन्डिंग एनर्जी के लिए, ठीक है, यानी बॉन्ड एनर्जी के लिए, तो ये किसके लिए हो जाएगी, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है ना। यहां पे प्रोडक्ट नहीं आएगा, रिएक्टेंट आएगा, और उसी तरह माइनस जो है किसके लिए, लेकिन यहां पर हम जानते हैं हमारे दो रिएक्टेंट है, तो प्लस एक तो ये है H2 है और एक Cl2 है, तो प्लस में एक ये भी हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी, एक और रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है ना, कौन सा है यहां पर जो हम अभी नीचे ले लेंगे, इसके लिए एनर्जी जो हमने उधर गिवन हमको दे रखी है उसके लिए हम, और यहां पर माइनस जो है क्या हो जाएगा हमारा, ये रिएक्टेंट्स हो गए और हमारा यहां पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। तो यहां पे जो है बॉन्ड एंथैल्पी हमको जो निकालना है किसके लिए निकालना है, HCl के लिए, यहां पर हम यानी प्रोडक्ट के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल एच, है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन HCl के लिए डेल एच रिएक्टेंट, तो एक रिएक्टेंट हमारा क्या है H2 है, लेकिन हम जानते हैं यहां पर ये हाफ यानी आधा लेना पड़ेगा, और इसकी एनर्जी कितनी थी बॉन्ड एनर्जी 430, ठीक है, लेकिन हमको इसका आधा लेना पड़ेगा ताकि हमको एक मॉलिक्यूल एच मिल जाए। यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक रिएक्टेंट और क्या है, क्लोरीन है, ये भी हाफ है, क्लोरीन का एक मोल है, मॉलिक्यूल का नहीं एटम का, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको हाफ किया है, और इसकी कितनी गिवन दे रखी थी 240, ठीक है ना, और माइनस ये हमें जो है, सॉरी यहां पर मैंने डेल ई लिख दिया है, ये डेल एच है एंथैल्पी है, ठीक है, तो डेल एच हमको निकालना है बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट यानी किसके लिए HCl के लिए निकालना है, ठीक है। और यहां पर हमको गिवन ये दे रखा है यहां पर, ठीक है, ये हमको गिवन यहां पर दे रखा है, यहां पर रबर सीमेंट नहीं रहा है, यहां पर जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारी -90 दे रखा है। चलिए हम अगले स्टेप में इसको ले लेते हैं, तो हमारे पास यहां पर हम लिख लेते हैं -90 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 430 प्लस, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं इसलिए प्लस में हमने कर लिए 240, ठीक है, और हमें जहां ये बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है HCl के लिए, ठीक है, तो HCl के लिए हमें ये निकालना है, तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे, ठीक है ना, बराबर के इधर, तो पहले हम यहां पर इसे हल करें -90, इसको इससे कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा 215, ठीक है, यहां पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, माइनस डेल एच बॉन्ड एनर्जी HCl की जो हमें निकालना है। यहां पर हम देखेंगे -90, इसको प्लस किया हमने तो कितना हो जाएगा 335 माइनस डेल एच बॉन्ड एनर्जी फॉर HCl, ठीक, अब हम इसको इधर ले आएंगे बराबर के इधर, इसे हमें जो है निकालना है बॉन्ड एनर्जी HCl के लिए, ठीक है, 335 प्लस 90, तो हमारा जो है HCl के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी 420,
25 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। यानी एक मोल के HCl के एक मोल के लिए जो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 425 किलो जूल पर मोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।